बताई जा रही है, लेकिन हमें जो खबर मिली वो 10 बजे के बाद ही मिला। मृतका का नाम? मृतका का नाम ममता देवी। और जो पति थे जिन्होंने हत्या की? छठू यादव। और इनके बच्चे भी बताए जा रहे हैं? दो बच्चे हैं, शायद एक 5 साल का और एक 3 साल का। महिला का पति भी जख्मी अवस्था में। गोल लगातनी समाचार बटुए से मरीज से बड़ा खबर निकल के आ रहा बटुए। मेहरारू के गर्दन उड़ैलस आ अपनहू जहर खैलस। मेहरारू जगह पोख भैली खत्म आ अपने बाधार में गाज फेंकत रहल है। खबर का वास्तव बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। यह पंचायत के मुखिया के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। का जाने का भइल कि एगो मरद अल अला के बाद गणासी लेके अल उहे गणासी जौना के गाय भैंस गोरु के गोवत के कुटी काटल जला। ओह कुटी काटे वाला गणासी से अपन मेहरारू के गर्दन पो दे मरले। अब बताई जब घास भूसा लकड़ी के काटे में गणासी के देर ना लागेला उ मेहरारू के गर्दन पो बाजल होई तो मेहरारू के का हालत भइल होई इस सुनिए के रौरा सबके अंदाजा लाग गइल होई। मामला सेमरी थाना अंतर्गत काजीपुर गांव के हटुए यहाँ पे ऐसा घटनाक्रम भइल बा। आपसी विवाद में मरद अपन मेहरारू के मुआ दिहलन। घटना सेमरी थाना के काजीपुर गांव के हो। सूचना के अनुसार छठू यादव कोनो बात के लेके अपन मेहरारू से नाराज रहन। सोमवार के सुबह 8 बजे के लगभग बात इतना बढ़ी गई कि मरद घर में राखल गणासी उठैले अपना मेहरारू के गर्दन पे चलैले। यह वजह से इनकर मेहरारू ममिता देवी 28 वर्ष जगह पर खत्म हो गईली। अब देख लें कि आई हो दादा हम तो बाज ही जाए मेहरारू के केस में लाल कोठरी में ढूक जाए। जेकरा बाद ई का कोइले कि इहो उठा के जहर खा ले लें बाधार में चल गई लें। बाधार में ई मिलल बने तो गाज फेंको तारे। बतावल जा रहा बाकी इनको हालत गंभीरे बटू। इहो बची हैं कि ना बची हैं कौनो ठीक नहीं खे। इनकर दू गो लैका बड़ा सन 5 बरिस के पुत्र आ 3 बरिस के पुत्री। उरुए चिल्लाए लगली जब एक भनक गांव के लागल तब पुलिस के सूचना दिहल लो। ई खौफनाक वाक्या सुबह 8 बजे के ह। सूचना मिलला के बाद पुलिस मौका पे पहुँचल। कानूनी पचड़ा के डर से गांव के लोग मुअल देह के हाथ ना लगैलस। केकर मुअल देह? इनकर मेहरारू के। पुलिस के अनुसार छठू के उपचार खातिर सेमरी आ ओहिजा से अनुमंडलीय अस्पताल डुमरा में भेज दिहल गई जहां हालत गंभीर बनल बा। यह घटना के बारे में सुन के सब हतप्रभ बटुए कि आखिर ऐसा कौन कारण पैदा हो गई कि यह गणासी से अपन मेहरारू के गर्दन उतरलस आ अपनहू जहर खैलस। पुलिस पूरा मामला के छानबीन करतिया। ग्रामीण बतैलन कि जहर खैला के बाद उ गांव के बगीचा में जाके सूती गई। जब गांव के पता चलल गांव पहुँचल तो देखलस कि तो मुँह से गाज फेंकता। जेकरा बाद लाद पारी के एकरा के ले गइल गइल। सुनी बयान जी। इस मामले में हमें फोन के माध्यम से खबर मिला। मोबाइल पे फोन आया और तुरंत हम पहुँचे घटनास्थल पे तो देखे कि एक महिला जो है मृत पड़ी हुई है। और जैसे ही पता चला तुरंत हमने डीएसपी साहब को खबर किया और खबर करने के बाद अभी प्रशासन आई हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। कितने बजे की घटना रही होगी जी? ये घटना हालांकि 8 बजे की बताई जा रही है लेकिन हमें जो खबर मिली वो 10 बजे के बाद ही मिला। मृतका का नाम? मृतका का नाम ममता देवी। और जो पति थे जिन्होंने हत्या की? छठू यादव। और इनके बच्चे भी बताए जा रहे हैं? दो बच्चे हैं, शायद एक 5 साल का और एक 3 साल का। महिला का पति भी जख्मी अवस्था में पाए गए जी। हमें जैसे ही पता चला कि वो कहीं अन्यंत्र इसी गांव में किसी बगीचे में गिरा हुआ था तो उसे वो भी पॉइजन खा चुका है और उसकी भी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। हमें पता चला, मैंने अनुमंडलीय अस्पताल उसको पहुँचवा दिया। तो ये क्या पहले से पति पत्नी का आपस में विवाद है? ये हमको जानकारी नहीं है इस तरह की कोई।
परिचय परिचय मैं काजीपुर मुखिया मोहम्मद इम्तियाज अंसारी।